Hello guys, welcome back to our channel A to Z IT Services. Today we are going to cover the mailing tab. Before that, subscribe the channel A to Z IT Services, hit the bell icon for latest notifications. So as discussed, we are going to cover the mailing tab, and in this we have some different features like envelopes, labels. So we are going to cover this mailing tab, and after that we have only two topics, that means we have only two videos to upload, and that means why MS Word is ended with that only. And after that we will bring an MCQs video, which will include all the questions regarding this Microsoft Word. So stay tuned, let's move to the computer screen and see what features we have in the mailing tab. Okay, so चलिए देखते हैं कि मेलिंग टैब में हमें क्या क्या फीचर्स एंड क्या क्या कर सकते हैं मेलिंग्स में. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेट मी टेल यू हियर, क्योंकि सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो जो 6 मंथ्स के कोर्स वगैरह होते हैं या आपका ये जो JKSSB एंड अकाउंट असिस्टेंट वगैरह टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी ये एग्ज़ाम्स होते हैं या इंटरव्यूज़ में, इवन इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है फ्रॉम दिस टैब ओनली. आई डोंट नो कि वाई क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब ना एडवांस टॉपिक है माना जा सकता है कि इसमें से, एंड वो बाकी तो सिंपल एडिटिंग एंड ऑल दैट रिलेटेड है, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए शायद. अदरवाइज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कब आप इससे इसको यूज़ करेंगे वो आपके ज़िम्मे है, ठीक है, आप खुद कर सकते हैं वो. सो लेट स्टार्ट विद दिस मेलिंग टैब, एंड मेलिंग टैब पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर सबसे पहले जो आ रहा है वो एनवलप्स एंड टेबल्स है. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमें ये बताना ज़रूरी समझना चाहिए कि मेलिंग टैब एक्चुअल में होता क्या है, मीन्स इसमें यूज़ क्या है, स्नैरियोज़ कहाँ पे, स्नैरियो हम जैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था इन ऑर्डर टू नो व्हाई हाउ टू स्टार्ट पेज नंबर फ्रॉम इट स्पेसिफिक पेज, तो हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उसके हिसाब से हमने देखा था. फिर तो यहाँ पे भी जब आप मेलिंग का ये बात करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ मेलिंग एक्चुअली. तो सबसे पहले मेलिंग होती क्या है, तो ये दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईमेल. ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, यू आर सेंडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ओनली. बट सिंपल मेल अगर हम बात करें तो मेल मीन्स जो आपके घर में आता है बाय पोस्ट, या शादी का कार्ड आता है, या कोई भी चीज़ ऐसा जो एनवलप्स में आता है, एंड ऑल दैट कम्स इन द मेल्स ओनली. सो यहाँ पे देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है. सबसे पहले यहाँ पे है एनवलप्स का, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनवलप्स का देखूँगा. Envelopes means जो आपने डेट लाइफ में यूज़ किया होगा, सेंडिंग मेल यू विल नीड एन एनवलप, ओके, जिसका कवर होता है, जो कवर होता है जिसमें आप कुछ डालते हैं फिर. एंड एनवलप में आपने देखा होगा एक नाम होता है, एक एड्रेस होता है, कहाँ से किसको और ऑल दैट, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे एनवलप्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपका डिलीवरी एड्रेस मांग रहा है, ठीक है. तो डिलीवरी एड्रेस कोई भी आप दे दो यहाँ पे, चाहे मैं चंडीगढ़ 14100 कुछ ऐसे रैंडमली मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, नियर प्लाजा होटल, कुछ भी ऐसा कोई एड्रेस है नहीं, मैं ऐसे कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देन आई विल क्लिक ऐड टू द डॉक्यूमेंट, एंड आपका ये जो है एनवलप बन गया, ठीक है. तो जब आप कंट्रोल पी करेंगे इसका तो ये देखो, ये एनवलप पेज ही होना चाहिए प्रिंटर में ताकि आप इसको प्रिंट आउट करा सकें, ठीक है. तो सिंपली एनवलप. और इसका मेल मर्ज के साथ क्या है, इसमें जो मेन टॉपिक है ना वो मेल मर्ज का होता है. तो मेल मर्ज के साथ हम जब देखेंगे एनवलप्स का कि मतलब इसमें फ़ायदा क्या है एनवलप्स, अगर आप ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बात करते हैं, आपको सेंड करना है 100 लोगों को अपना कोई कार्ड या कोई लेटर, क्यों आपने उनको जॉब दी है, आपको उनको लेटर भेजना चाहते हैं, तो हर एक का एड्रेस डिफरेंट होगा और हर एक का ये जो ये वाला एड्रेस है ये भी डिफरेंट होगा, मीनस उनकी पोस्टिंग भी डिफरेंट होगी एंड उनका जो पर्सनल एड्रेस या कहाँ से आ रहा है वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है. तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आपको 100 एनवलप्स अलग अलग से टाइप करने पड़ेंगे, वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होता है मेल मर्ज. अभी तो हमने मैनुअली एक एनवलप, दिस इज़ फॉर ओनली वन एनवलप, और ठीक है, तो दिस इज़ फॉर वन एनवलप. इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ. एंड अगर लेबल्स की बात करें तो लेबल सिंपली वो चीज़ होता है जो आपके जो लेटर होती है उस पे लगाते हैं, छोटा सा वो पीस होता है ना, वो लेबल होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेबल्स में यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, ए टू जेड आई टी सर्विसेज,
ओके, ए टू जेड आईटी सर्विसेज एंड ऑल, कुछ भी लिख लो आप, लेबल मैं क्रिएट कर देता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। तो देखो यहाँ पे दो ये हो गए आपकी लेबल्स क्रिएट, ठीक है। तो आपने इसमें फिर से रेफरेंसेस टैब में जाना है, सॉरी मेलिंग लिस्ट टैब में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने लेबल्स का देखा था, कहाँ पे है लेबल्स। ओके, तो लेबल्स क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर मैं फुल पेज ये रख देता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 30 पर पेज लेबल्स चाहिए मुझे, जैसे कि मैंने बोला कि लेबल्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ओके करूँगा एंड यहाँ पे जो एड्रेस आप लिखना चाहते हैं, ए टू जेड आई टी सर्विसेस कुछ भी न्यू डॉक्यूमेंट, तो ये देखिए आपके लेबल्स जो है एक पेज पे 30 लेबल्स आपकी जनरेट हो गई। इसका क्या फ़ायदा है, जब जब हम मेलिंग मर्ज देखेंगे उसमें ज़्यादा इसका जो है वैल्यू है। इसको क्लोज करेंगे अभी, डोंट सेव एंड वी विल कम बैक टू दिस व्हाट इज़ कॉल्ड एज क्या होता है ये, क्या बोलते हैं इसको, मेल मर्ज। ओके, तो मेल मर्ज जब हम बात करेंगे मेल मर्ज की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, स्टार्ट मेल मर्ज। लेटर्स चाहिए आपको, ईमेल मैसेजेस है, एनवेलप्स है, लेबल्स है, डायरेक्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, मीन्स इसमें आपको यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा ना इस पर, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट 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 6 स्टेप्स आपको बताएगा। वो स्टेप सेम है जो यहाँ पर भी है, जो जो एनेबल हो जाएंगे अभी वो भी आप देखेंगे इसमें, ठीक है। स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सेंड सम लेटर्स टू सम पीपल और सम एम्प्लॉयज विच आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी वॉन्ट टू सेंड दम ट्रांसफर लेटर्स और सम न्यू कैंडिडेट्स आर देयर टू होम वी वॉन्ट टू सेंड सम जॉब दिस वट इज कॉल्ड एज कॉल लेटर्स एंड ऑल। ओके, तो वैसा सिनेरियो हमने क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। सो लेटर्स पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट मेल मर्ज करना है ऐसे लेटर्स, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिस्ट एक जनरेट करना है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए जब आप लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। देखो जैसे भी आपने आपका जो कैंडिडेट लिस्ट होता है ना, वो आप दिस एक्सेल शीट में सेव रखते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ से यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप टाइप लिस्ट करना चाहते हैं नए से, तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड एड्रेस लाइन 1 एंड ऑल दैट, ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऑल ब्लैंक्स रख सकते हैं, मीन्स कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ कुछ भी, इशफाक एंड देन टैब फर्स्ट नेम, टाइटल तो इशफाक नहीं होगा, जॉब ओपनिंग या कुछ भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट को है कि ये है, फर्स्ट नेम इशफाक, देन वी हैव लास्ट नेम, देन वी हैव कंपनी नेम, देन वी हैव एड्रेस लाइन एंड ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब करोगे, या कस्टमाइज द कॉलम्स, अगर आपको कॉलम्स को डिलीट या ऐड करना है, जैसे यहाँ पे कॉलम्स है, टाइटल आप नहीं रखना चाहते, वो ईमेल एड्रेस नहीं रखना चाहते, वो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, या नया कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, मैंने टाइप लिस्ट नहीं करना है, मैं क्या करूँगा, मैं एग्जिस्टिंग लिस्ट मेरा कहीं पर पड़ा है वो यूज़ करूँगा, टाइप लिस्ट नहीं करूँगा, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करूंगा, ठीक है। तो वो जो लिस्ट है वो मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा है शायद, हाँ ये रहा, तो ये मैं ओपन करूंगा। जब ये ओपन होगा तो ये बोल रहा है कि ये इसमें शीट 15 है, वो कंटेंट्स क्या है वो हम देखेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पे आप देखो रिसेप्टेंट्स ये जो है, ये वाली चीज़ें जो है वो अभी तक मतलब डिसेबल थी, अब एनेबल हो गई क्योंकि अब इसके पास लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एडिट रिसेप्टेंट, देखिए कौन कौन से हमारे पास है, इनमें से आप डिलीट भी कर सकते हैं, किसी को आप ऐड भी कर सकते हो। मेरे 3 सोर्सेज हैं इसमें, मैंने तीन एड्रेसेस है, 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है इसमें, एड्रेस है, ईमेल है, नेम है, ठीक है। एड्रेस, ईमेल एंड नेम, ये डिफरेंट कितने बंदे हैं, ये 9 बंदे हैं, ठीक है। तो 9 बंदों का यहाँ पे डेटा पड़ा है, आपका 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। 9 का तो मैं वैसे भी बना लूँगा अलग अलग से लेटर, लेकिन जब ज़्यादा होते हैं तब ये यूज़फुल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करूँगा, अभी मेरा रिसेप्टेंट लिस्ट है यहाँ पे। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड,
यहाँ पे जब आप ये देखो ग्रीटिंग लाइन है ना, तो ग्रीटिंग लाइन पे अगर मैं क्लिक करूँगा, जैसे होता है डेयर होता है, टू होता है, नन, जैसे कोई भी होता है ना ऐसे, डेयर डेयर सर मैम, और ये आप ऐड कर सकते हो। तो मैं ये नहीं रखना चाहता क्योंकि मैंने यहाँ पे डेयर खुद ही लिखा है, तो ये आपने नहीं करना है। एड्रेस ब्लॉक क्या होता है कि जैसे आपने कोई एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, या इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, कोई एड्रेस पूरा ब्लॉक ही है जो आपने ऐड करना है, मीन्स ये वो एड्रेस है जहाँ से आप भेज रहे हैं, क्योंकि वो एक ही है, बाकियों का तो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, अभी मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है, टू किसको के करना है, तो वो मैं यहाँ पे नेम रखूँगा। तो ये आपका नेम आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे डेयर किसको डेयर, ये भी नेम आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मेरे यही फील्ड्स है, एक एड्रेस है, एक नेम है, एंड ईमेल है, तीन ही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे नेम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कन्फ्यूज़ होने, प्लीज़ अटेंड मीटिंग एट कौन सा एड्रेस पे है, इंसर्ट एंड दिस व्हाट इज़ कॉल्ड एज दिस इंसर्ट, यहाँ पे मैंने एड्रेस करना है। तो ये आ गया एड्रेस यहाँ पे, और लास्ट में भी मैंने एड्रेस ही देना है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा एड्रेस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब इसको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे मर्ज फील्ड्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे ये जो ये ईमेल मर्ज के फील्ड्स आ रहे हैं, जो मैंने का डाटा लाया है, वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है आपका इजीली। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है कि इसमें क्या चीज़ है। तो इसके लिए अगर आपने देखना है कि ये क्या है, मतलब नेम आ रहा है ऐसे, एड्रेस आ रहा है, तो आपको प्रीव्यू रिजल्ट्स में देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। देखो, तो सो पहला कंटेक्ट जो था वो यासिर का था, यहाँ पे नेम आ रहा है यासिर, यहाँ पे यासिर आ रहा है, एड्रेस जम्मू एंड एड्रेस जम्मू, तो ये उसके हिसाब से चेंज होता गया। मीन्स इसका एड्रेस उसमें लिस्ट में जम्मू ही था, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जम्मू ही था। अगर आपने नेक्स्ट देखना है तो नेक्स्ट देख सकते हैं। देखो प्रीवियस देखते, ये 8th 9th था, ये 8th है, पी क्यू आर ऐसे ही मैंने लिखा है, एक्स वाई जेड ए बी सी चेन्नई एंड अगलो जावेद ताहिर इशफाक एंड ऑल दैट, टू फैज़ान एंड वन यासिर, तो ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ चेंज हो रही है, देखो एड्रेस भी चेंज हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि वो लिस्ट जो मैं मेंटेन कर रहा था, चलो मैं दिखा ही देता हूँ आपको वो लिस्ट, ताकि आपको पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लिस्ट, ये मैंने लिस्ट जनरेट किया है, नेम इसमें है, एड्रेस है और ईमेल है, तो यही नाम है जो जो ऑर्डर वाइज आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये अगर हमने प्रीव्यू करना है कि क्या क्या चीज़ कौन कौन सा नाम है। प्रीव्यू रिजल्ट में डिसेबल करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्टली नेम आ रहा है, तो मीन्स दिस नेम इज़ ए वेरिएबल, दिस एड्रेस इज़ ए वेरिएबल, एंड वी नो दैट वेरिएबल इज़ दैट थिंग विच होल्ड सम वैल्यू, एंड इनका इनमें इसमें भी एक वैल्यू है जो चेंज होता जाएगा विद द कंडीशन, विद डिफरेंट कंडीशन, ओके, नेम एड्रेस एंड ये सारी कंडीशन में चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक फॉर एड्रेस, फाइंड रिसेप्टेंट एंड ऑल दैट, एंड देन जब ये हो गया आपका, ठीक है, लेटर आपका छप गया एंड आपका नेम आपने मेल में ये जो मर्ज फील्ड्स है वो डाले वो कहीं पे, तो उसके बाद आपका क्या है, या आप प्रिंट करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप यही करेंगे क्लिक, तो इसके बराबर नाउ पेजेस बनेंगे ऑल, आप करके न्यू डॉक्यूमेंट जो क्रिएट होगा, देखो यहाँ पे अलग अलग से बयान, टू यासिर अलग लेटर बन रही है, टू फैज़ान अलग, इनका अलग अलग से एड्रेस आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये हो गया एक चीज़, ये नया डॉक्यूमेंट बन गया इसका। और यहाँ पे अगर आप, ये था अगर आपने एडिट करना है इंडिविजुअल, अगर किसी चीज़ में, किसी डॉक्यूमेंट में आपने कोई चीज़ और ऐड करनी है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, एंड देन वहाँ पे ही प्रिंट कर सकते हैं। एंड अगर आप प्रिंट डॉक्यूमेंट्स करेंगे, अगर ऑल करेंगे ओके, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा, अगर प्रिंटर इसके साथ कनेक्टेड होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग नेम, हर नेम जो है वो प्रिंट होगा, या करंट रिकॉर्ड, जो करंट रिकॉर्ड क्या है अभी, अभी पहला रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पे यासिर होगा, पहला नेम वही है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर फ्रॉम है तो मीन्स अगर थर्ड रिकॉर्ड से मैंने 7th रिकॉर्ड तक, या 50 से 59 तक पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। जनरली आपको ऑल सारे ही करने होंगे, तो यहाँ पे जब मैं ऑल प्रेस करूँगा एंड प्रेस ओके, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग नेम प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। एंड यहाँ पे जो है सेंड ईमेल मैसेजेस, अगर आपने ईमेल भेजना है हर किसी को, और यहाँ पे हर चीज़ में चेंज होगा। ठीक है, तो ये मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आउटलुक है, तो यहाँ पे कुछ मेल आईडी शायद मतलब प्रेजेंट भी होंगी इसमें, xyz@gmail.com ही रखा है मैंने। तो जब आप यहाँ पे ये सेंड ईमेल मैसेजेस पे क्लिक करेंगे, तो आपका आउटलुक जो है, जो विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ओनली, विच इज़ द पार्ट ऑफ ऑफिस पैकेज, जो पहले लेक्चर में भी हमने बताया था कि ऑफिस पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, जो मेल जो यूज़ होता है मेल सेंड करने के लिए, तो वो ओपन होगा, और सब मेल आईडीज़ में जो जितने भी मेल आईडीज़
लाइक इसमें मैं क्लिक करूँगा, सेंड ईमेल आया यहाँ पे, एंड यहाँ पे टू आ रहा है। तो टू इसमें से ईमेल कहाँ इंडिविजुअली तो नहीं देंगे ना, हर नेम के हर नेम और हर एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक ईमेल दिया गया है वहाँ पे। तो यहाँ पे ईमेल में मैं क्लिक करूँगा, मेल फॉर्मेट अगर आपने HTML भेजना है तो HTML आएगा, प्लेन टेक्स्ट भेजना है प्लेन टेक्स्ट ही जो जाएगा मेल, और अटैचमेंट मीन्स एक उनको एक PDF या वर्ड डॉक्यूमेंट आएगा वो उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सारे रिकॉर्ड उसको सेंड करना चाहते हैं अगर करंट रिकॉर्ड को ओनली, अगर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक वो, देन यू विल फॉर एग्जाम्पल यू विल प्रेस ऑल देन ओके। तो जितने भी मेल आईडीज इसमें है जो इस एड्रेस बुक में थी ये सारी, तो इनमें वो मेल जाएगा एज एन अटैचमेंट और HTML और प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत कम टाइम लगता है हमें ये काम करने में। यही काम अगर हम मैन्युअली अलग वन बाय वन करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विद इन दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेलिंग टैब, एंड दिस इज़ यूज टू सेंड दिस सेम लेटर टू द मल्टीपल पर्सन चेंजिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अकॉर्डिंग टू द नेम्स एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ इसके फीचर्स है, और आप प्रिंट भी वैसे ही कर सकते हैं। नाउ सी यहाँ पे हो गया ये कंट्रोल एंटर। अब देखो यहाँ पे मैं एनवेलप्स का देखूंगा, क्योंकि अभी तक उस टाइम पे जब मैं एनवेलप्स और लेबल्स की बात कर रहा था तब हमने लिस्ट नहीं लाया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट मेल मर्ज में एनवेलप्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे अब है एनवेलप्स और लेबल्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास लिस्ट जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट जैसे पड़ा हुआ है तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं यहाँ पे कैसे, कि यहाँ पे मैं अब एनवेलप क्रिएट करूँगा एनवेलप्स पे क्लिक करके। तो ये हो गया यहाँ पे जो टॉप साइज़ कितना रखना है आपने वो तो सिलेक्ट हो गया, ओके। तो ये आपका एनवेलप आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो रिसेप्ट, यहाँ पे अगर आपने एड्रेस डालना है अब, ठीक है, तो एड्रेस के लिए आपने ये सिलेक्ट रिसेप्टनेट करना है, या ये जिस क्या बोलते हैं इसको इंसर्ट मर्ज फील्ड, मैं नेम रखना चाहता हूँ, एंड देन वी हैव दिस एड्रेस आल्सो, एंड देन वी हैव ईमेल आल्सो, ठीक है। तो ये आके आ गया आपका। देखो अब आपको 100 एनवेलप या 200 एनवेलप क्रिएट करने थे, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैन्युअली टाइप करना था हर एनवेलप के पे नेम एड्रेस एंड। यहाँ पे क्या होगा कि आपने सिंपली एक जो लिस्ट था वो यहाँ पे इंपोर्ट किया, एंड वो आपके यहाँ पे सिर्फ लेबल्स एज ए वेरिएबल्स आ गए, इनके पीछे बहुत सारे नाम है। अगर आपको प्रीव्यू रिजल्ट करना है तो यहाँ पे पहला ये है, देन सेकंड दिस, थर्ड, फोर्थ, ये हर चीज़ जो चाहे चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग, एंड इनको आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट्स सारे, तो ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विद इन दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। होप सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मेल मर्ज एंड मेलिंग्स, ओके। होप आपको समझ आया होगा, बहुत आसान भाषा में हमने देखा कि इसका फीचर्स क्या क्या है और इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हर जो चीज़ है वो कवर हो गया, और यही चीज़ आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, और आपके सिनेरियो के हिसाब से भी है। मैंने यहाँ एक सिनेरियो क्रिएट किया, आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू for watching this video.